हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं हूँ श्री माता वैष्णो देवी नर्सिंग कॉलेज और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के रास्ते में मैं जा रहा हूँ। और मैं आज आपको जो है श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस ऑन द वे रास्ते में जो है दूर 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 बहुत दूर में आपको पहाड़ी नज़र आ रहा है। ये है पत्नीटॉप और इसके पीछे जो है रामबन के बाद जो है श्रीनगर कश्मीर का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो पूरा ही पहाड़ी जो है बर्फ़ से ढका हुआ। और ये देखिए, देख रहे हैं ये आसपास का नज़ारा। और यहाँ पे जो है छोटे छोटे घर और उसके आसपास जो है जो खेत खलियान जो है जो नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे गेहूं की और सरसों का खेती लगाया गया है। और इसको स्टेप फार्मिंग और ट्रैक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। आम तौर पर जो है पहाड़ियों में जो है इसी तरह से खेती किया जाता है, ट्रैक फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग के द्वारा। और इस तरफ जो ऊपर में आपको पहाड़ी दिखाई दे रहा है, यह त्रिकुटा पहाड़ी जहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी। और अभी मैं हूँ श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि टोटल 2000 बेड की व्यवस्था है। ये हॉस्पिटल जो है भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 2014 में इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ के जम्मू कश्मीर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये हॉस्पिटल जो है सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन जम्मू रीजन। तो ये है हॉस्पिटल, अस्पताल का आगे फ्रंट व्यू, आगे का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही उम्दा और बहुत ही एक अच्छा हॉस्पिटल। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा डिजाइनिंग के द्वारा बनाया गया। और आप देख पा रहे हैं बाहर का गार्डनिंग एरिया, जहाँ पे जो है मरीज जो यहाँ पे भर्तियाँ हैं उनके रिश्तेदार जो है अभी ठंडी में बाहर धूप का आनंद लेते हुए, बाहर का गार्डन है। और उस तरफ जो आप देख पा रहे हैं गाड़ियाँ जो है ये पार्किंग एरिया है। और ऊपर के जो पहाड़ियाँ हैं वो त्रिकुटा पहाड़ी, जहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी विराजमान है। मैं इसका हॉस्पिटल का अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कि मैं आपको बाहर का ये दिखा रहा हूँ, ये हॉस्पिटल में जो है इतना अच्छा क्लीनिंग और हाइजीनिक फैसिलिटी है कि आपको बहुत ही। और यहाँ पे जितने भी लेबोरेटरीज है, जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, जो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के और बहुत अच्छे उम्दे तरीके के हैं। साथ ही यहाँ पे जो भी पेशेंट मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है बहुत ही सस्ते और कम दाम में किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हॉस्पिटल जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इसका संचालन करता है। इसके चलते जो है इस हॉस्पिटल का रखरखाव बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। और इसके कर्मचारी जो है वो काफ़ी वेल ट्रेंड है और डॉक्टर जो है बहुत ही अच्छे और हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर से है। तो और इस तरफ आप देख पा रहे हैं आगे का हिस्सा जो है, इधर से जो है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटी अराउंड 10-12 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आगे स्टूडेंट्स के लिए जो है उनका हॉस्टल का फैसिलिटी है, उनका मेस फैसिलिटी है। और उधर जो है यूनिवर्सिटी के स्टाफ लोग के अकोमोडेशन का भी व्यवस्था है। तो ये जो आप हॉस्पिटल देख पा रहे हैं, इस हॉस्पिटल के पीछे की ओर जो है श्री माता वैष्णो देवी नर्सिंग कॉलेज है, जहाँ पे जो है गर्ल्स ओनली, लड़कियों के लिए जो है नर्सिंग का एजुकेशन प्रदान किया जाता है। मैं अभी आपको उसका भी नज़र दिखाऊंगा। और ये है श्री माता वैष्णो देवी नर्सिंग कॉलेज। और ये नर्सिंग कॉलेज कम ये हॉस्टल है, जहाँ पे जो है ग्राउंड फ्लोर में जो स्टडी किया जाता है, और उनके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में जो है स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन है। और आसपास जो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं,
दीज ऑल आर द अकोमोडेशन फॉर स्टाफ डॉक्टर्स एंड स्टाफ नर्सेस फॉर दिस श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है श्री माता वैष्णो देवी नर्सिंग कॉलेज का जो है अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्टल्स, और ये जो है हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आने वाले जो है 6 से 7 महीने के अंदर जो है ये हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन का जो है सारे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है नर्सिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बैच, इन सारे स्टूडेंट को जो है यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा हॉस्टल, मैंने पहले ही बताया, जैसा कि आपको शायद मालूम भी है, ये जो है हॉस्टल्स और जो कॉलेज है श्री माता वैष्णो देवी नर्सिंग कॉलेज जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है। ये इट कम्स अंडर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और जो आगे की तरफ आप देख रहे हैं कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स, ये है वन ऑफ देम इज हॉस्पिटल एंड अनदर बिल्डिंग्स आर अकोमोडेशन फॉर डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ्स।